आप सबका स्वागत है। और आज मैं कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। ये आधा लीटर के लगभग दूध है, इसको मैं गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। गर्म होगा अभी। और उसमें डालने के लिए फ्रूट्स है, केला है, सेब है, अनार है, आम है और ड्राई फ्रूट्स, एक काजू, बादाम, किशमिश और एक कस्टर्ड पाउडर है और चीनी है डालने के लिए उसमें। और ये दूध से मिक्स करूँगी कस्टर्ड पाउडर, जब दूध हमारा खोल जाएगा तब। दूध खोल रहा है, इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे दूध को। और आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी बना सकते हो, एक लीटर का भी बना सकते हो। और हमारे यहाँ तीन ही लोग हैं इसलिए मैं आधा लीटर का ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। और आप चाहें तो जो भी फ्रूट हो उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सभी फ्रूट मिलना मुश्किल होता है। तो जो भी फ्रूट है वो भी डालकर बना सकते हैं, या ड्राई फ्रूट है उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा फल मिलना मुश्किल होता है। इसलिए दूध अच्छी तरह खोल गया है। अब इसे मैं चीनी ऐड करूँगी, करीब तीन चम्मच के लगभग, चार चम्मच। आप अपने हिसाब से, अगर मीठा ज़्यादा खाना हो तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डालेंगे, तो हम लोग थोड़ा कम खाते हैं चीनी, इसलिए कम डाले हैं। ये तीन चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स होनी चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ, देख लीजिए आप भी, अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको गांठ नहीं इसमें होनी चाहिए। अब इसको इसमें धीरे धीरे मिक्स करूँगी, स्लो आंच कर धीरे धीरे मिक्स करूँगी, नहीं तो चिपक जाता है। इसको 10 मिनट तक फैलाऊंगी। देख सकते हैं कस्टर्ड तैयार हो गया है, अच्छे से अच्छी तरह पक गया है। और इसको मैं बंद करूंगी, मुश्किल से 10 मिनट लगता है इसको पकने में, क्योंकि दूध गर्म रहता है, खौलता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। अब बन कर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया। अब कस्टर्ड ठंडा हो गया है, इसमें अब फ्रूट और ड्राई फ्रूट मिक्स करूंगी। इसके बाद एप्पल है कटा हुआ, एप्पल डालूंगी। ये अनार है, ये आम है, इसको अच्छे से मिक्स कर अब इसको आधा घंटा के लिए ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। इसको फ्रीजर में नहीं रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। आधा घंटा के लिए रख दूंगी, उसके बाद कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। अब ठंडा हो गया है, फ्रिज से निकाल ली हूँ, आधा घंटा के लगभग हो गया। अब इसको मैं सर्व करूँगी।
टेस्ट करते हैं कैसा है, आप भी टेस्ट कीजिए। टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा आ रहा है और गर्मी के दिनों में यह एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है, इसमें चीनी भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा नहीं है ना कम है, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी। और ये गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छा होता है और हेल्दी, ठंडा ठंडा खाते हैं इसको, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, उनको बहुत पसंद है। आप इसको अच्छे से बनाइए और अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी बना है और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे ट्राई कीजिए कस्टर्ड कैसे बनता है और स्वाद परिवार के साथ इसको टेस्ट कीजिए और कैसा है हमें बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।